गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अभी कहाँ पर हूँ? थाईलैंड पटाया में। ये हमारे होटल टॉप थाई, बहुत सुंदर है। 600 बाट करके पर डे के हिसाब से लिया। एकदम वॉकिंग स्ट्रीट के ठीक सामने, बहुत ही करीब है वॉकिंग स्ट्रीट, ये है अनिर्बन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तुहिन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है सेकेंड डे, हम लोग निकल रहे हैं। आज हमने तय किया कि आज जाना है कोरल आइलैंड और इस साइड कुछ टेम्पल्स है, टेम्पल्स पे भी विजिट करना है। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को थाईलैंड सीरीज। ये है वॉकिंग स्ट्रीट। मॉर्निंग में ऐसा खास कुछ नहीं होता है, बट नाइट में बहुत कुछ होता है, पूरा भरा रहता है। अभी क्या है, ये बंद है सब कुछ। रात 2 बजे तक बहुत ज़्यादा चहल पहल, सारे बार रेस्टोरेंट सब कुछ खुला रहता है, लेकिन अभी पूरा सुनसान है, कुछ नहीं है। मेरे होटल से एकदम नज़दीक है, एक्चुअली हमें कल पता नहीं था, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा घूम घूम के आए। तो एक बाइक टैक्सी जो होता है, तो उससे पूछा, वो बोला कि सीधा चले जाए, आपको मिल जाएगा। तो हम लोग सीधा आए, तो देखो एकदम करीब है, बहुत ही नज़दीक है, चलता है। कभी नया जगह आप जाओगे, पहले तो प्रॉब्लम तो होता ही रहता है। थाईलैंड में जगह जगह आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देगा, छोटा है बट काफी सुंदर है। और ये है टूरिस्ट पुलिस। फाइनली हम लोग आगे पटाया बीच के सामने, यहाँ से कोरल आइलैंड के लिए फेरी छूटेगा। यहाँ पे नाना टाइप का फेरी चलता है, स्पीड बोट चलता है, अलग किराया अलग अलग है। जितने बड़े बोट में आप चढ़ेंगे उतना ही सस्ता होगा। स्पीड बोट का किराया बहुत ज़्यादा है, 300 भाट करके पर हेड। हम लोगों ने गवर्नमेंट फेरी जो बहुत बड़ा है, हम लोग गवर्नमेंट फेरी 30 भाट दे के गए थे कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड बहुत ही फेमस प्लेस है, अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं, पटाया जा रहे हैं, तो कोरल आइलैंड घूमना ना भूले। जगह बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंडियंस आपको देखने को मिल जाएगा। इधर का बोट का सिस्टम है, आप 2 जन भी जा सकते हैं, ग्रुप में भी जा सकते हैं और बहुत जन जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पूछा, एक ट्रैवल ग्रुप आया है, तो हम सोचे कि उसके साथ ही हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, तो बोला नहीं, हम नहीं ले जा पाएंगे आपको, तो हमारे सभी ग्रुप है, ग्रुप में हम जा रहे हैं। तो एक मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि हम 2 हैं तो क्या करें, अगर हम 2 बोट लेते तो इससे ज़्यादा पैसा पड़ता, इसीलिए हम लोग एक मेरे सामने एक बहुत बड़ा फेरी आप देख सकते हैं, तो हम लोग इसमें जा रहे हैं। इसमें पुलिस वाले ने बोला 30 वाट पर हेड, तो हम लोग 30-30-60 वाट दे के हम लोग चढ़ गए फेरी में। स्पीड बोट से काफी सस्ता है ये फेरी। फाइनली हम लोग चढ़ गए बोट में, ये 30 वाट पर हेड करके लिया है, दोनों हमने ली। और अब ये देखिए बोट काफी सुंदर है, बहुत जन जा सकते हैं इसके साथ। कितने जन आए इधर? 16 जन। या कब आए? परसों। डायरेक्ट पटाया में आए क्या? पटाया में। अब कहाँ जाना है आपको? बैंकॉक जाना है। कितने दिन पटाया गए? 2 दिन। क्या नाम है आपका? शर्मा। ओके ठीक है।
फाइनली हम लोग रवाना हो गए कोरल आइलैंड की तरफ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। कोरल आइलैंड जाते जाते हमें बहुत मजा आया, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात की। दो लोग आए थे ईरान से, ईरान नहीं, वो इराक से आया था, इराक की बगदाद से, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उससे ठीक से बात नहीं कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और भी बहुत कुछ बाकी है, नूंग बीच आपको दिखाना है, तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।